देखिए मेरा एक्चुअली मुझे जो ये जो सेल्फी वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बट मुझे ऑलवेज ये लगता है कि आई थिंक द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन विल बी रानू जी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बैक स्टोरी क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा किया और किया तो क्यों, कहीं ना कहीं बिकॉज आज यू नो मैं इट्स लाइक कि मैं आपको ऋतिक रोशन जी के लिए कोई सवाल पूछूं तो आप कैसे जवाब देंगे, तो मेरा वो ये है कि मैं क्या कैसे उनके बिहाफ पे जो मैं जवाब दूं वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं ऑलवेज ये समझता हूं कि मीडिया को रानू जी को पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। देखिए ये मेरा आंसर कुछ भी देना रॉन्ग हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं समझिए मेरी स्थिति ऐसी है कि मैंने बहुत लोगों को ब्रेक दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे दर्शन रावल ने खींच मेरी फ़ोटो में, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, आकाशा को इंट्रोड्यूस किया, प्रेम रतन धन पायो में अपनी पलक को किया, बट उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ कोई होगा तो वो मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, तो ये मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए बनता नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हाँ जी जी ज़रूर। तेरी मेरी कहानी आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी दे दे दिल आशिकी में है कसम है मेरी ओ आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी जब आई टू आई तेरे संग जुड़दी जब टिकटॉक तू चलदी हाय कलेजे विच डुकी बजदी मेरे दिल का बंगला कर लो ऑक्यूपाई क्यूरी पाई तुम ना मिले तो I will die. Rap. Cutie pie. Oh, hiriye, meri sun zara. Hai ishq mera sar tera fasana. Hota nahi hai ki trailer baad mein aata hai aur music pehle aata hai, because ek love story hai. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है कि हरप्रीत सिंह लांबा का फ्रेंड जोन हो गया है, तो आप ज़िंदगी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होती है जहाँ पे वो आपको एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करती है बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, एंड वही हरप्रीत सिंह लांबा यानी हैप्पी के जो किरदार में जो सरदार का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ उसके साथ होता है, एंड देन शी हीर जो है हमारी हीरोइन जो है सोनिया मान प्ले कर रही है, जिसको हम ट्रेलर पर मीडिया के सामने ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो शी फॉल्स इन लव विद हार्डी एंड वेदर शी कम्स बैक टू द friend zone guy happy or she moves on with Hardy is the love story, but it's a very very sensitively made love story and very beautifully shot in Scotland, and ek desi bando ki kahani hai bahut, aur love story ke liye music jo hai bahut integral part play karta hai, because humne dekha hai ki pehle jo bahut achhi great love stories aati thi, whether it was Tere Naam or Hum Dil De Chuke Sanam, Sajan Dil Leke Manta Nahi, they had music which was very popular before the release, to wahi strategy humne apnai hai ki bhai Happy Hardy Heer ke connect ke liye ye gaane release se pehle popular hon jo ab hue hain, jiski wajah se humne ye concerts kiya aur aaj yahan aakar wo jo one to one connection raha college students ke sath, uske liye main bahut bahut aap logo ka shukrguzar hu, bahut hi shukrguzar hu students ka, that they are reacting so positively, and now we are very happy, very soon we'll be out with the trailer and 31st jan ko picture aa jayegi. How is being a sardar, playing a sardar and that also a very double role mein, this is the first time I'm doing a double role, and ye meri 10th film hai as an actor, and har film mein mera ek growth आपने देखा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं, बट क्योंकि एक्सपोज में मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले और अब उसका सीक्वल बनने जा रहा है अगले साल, तो एक लव स्टोरी मैंने कभी नहीं की, हमेशा एक थ्रिलर किया है एज एन एक्टर, तो आई वांटेड टू डू अ लव स्टोरी बिकॉज आपका सुरूर एल्बम में एक जो मेरा किरदार था वो एक वॉज अ मैन इन लव, एंड कहीं ना कहीं एक प्योर लव स्टोरी मैंने अपनी फिल्मों में नहीं की थी, वेदर इट वॉज अ कॉमेडी और थ्रिलर किया था, सो आई वॉन्ट टू डू अ लव स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले हैज़ बीन डन बाई माई वाइफ, डायलॉग्स आर बाई बंटी राठौड़, जो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी, इसके लिए एक 2 साल इस कैरेक्टर में वेदर सरदार के हरप्रीत सिंह लांबा हो या हर्षवर्धन भट्ट हो जो एक गुजराती कैरेक्टर है हार्डी का,
NRI Gujarati Business Wing ka. To uske liye wo workshops kiye ki wo kirdaar mein kabhi aapko ek Himesh Reshamiya the music star na dikhe balki wo actor dikhe aur iske liye ek jo mehnat honi chahiye because aaj mujhe kahin na kahin ek platform being a music star hamesha mila hai and this is my 10th film as an actor so I had to go to that next level jo ek actor ke liye game changer film hoti hai and maine apni taraf se bahut mehnat ki hai ki उस किरदार के छोटे से छोटे न्यूएंसेस को मैं बहुत अच्छी तरह निभा सकूं एंड एक डबल रोल है बहुत चैलेंजिंग रोल है एक लव स्टोरी है और कहीं ना कहीं एक यू नो लोगों का ये मानना होता है कि भाई म्यूज़िक स्टार्स हमारे हिंदुस्तान में उतने बड़े एक्टर्स नहीं बन सकते तो मेरे लिए ये बात है कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन गेम चेंजर फ्राइडे विच विच इज़ दिस फिल्म जैसे कहीं ना कहीं जैसे अमित जी के लिए जंजीर साबित हुई थी शाहिद के लिए कबीर सिंह ने एक गेम चेंजर होने का जो वो किया था उसके लिए आपको अपनी मेहनत होती है किस्मत होती है सो आई हैव रियली वर्कड हार्ड ना वो बाकी किस्मत के ऊपर है बट आई एम वेरी पर्सनली हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द लव स्टोरी ऑफ द फिल्म मुझे फ्रेंड जोन नहीं किया गया लेकिन येस डेफिनेटली हार्डी के किरदार से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ लेकिन हरप्रीत सिंह लांबा जो हैप्पी है उस किरदार में जो हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं उनका उनकी बेस्ट फ्रेंड ने फ्रेंड जोन कर दिया था और मैंने उनकी तड़प देखी है उनकी दोस्त के लिए और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाद में आया और वो ट्विस्ट क्या है कहीं ना कहीं ये कहानी उसी दोस्त की पर्सनल लाइफ पे आधारित है